तो आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ नॉलेजफुल भी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एलईडी बल्ब से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। हो सकता है वो जानकारी काफी सारे लोगों को पता हो, लेकिन जो मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपने लाइक करनी है, और आज का हमारा लाइक एम होने वाला है 200 लाइक का। मुझे बताया आप लोग कर लेंगे, साथ में एक कमेंट जरूर करनी है। तो यहाँ पर एलईडी बल्ब की जो आप प्लेट देख रहे हैं, इनमें से वोल्ट और वाट का मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा विद प्रैक्टिकल। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपको ये बता दूं, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आप समझेंगे। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग एलईडी के जो एमसीपीसीबी, साथ में एक ड्राइवर भी है, ये अलग अलग वाट के हैं। यहाँ पर बल्ब के बाहर पे जो आप वाट देखते हैं, एक्चुअल में वो वाट और इन वाट में काफ़ी डिफरेंस होने वाला है। देखिए, 9 वाट के बल्ब में आपको अलग अलग एमसीपीसीबी देखने को मिलती है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि 9 वाट के बल्ब में आपको एक एमसीपीसीबी ऐसी मिलती है जो ड्राइवर से आने वाले 40 या 50 वोल्ट पर भी ऑपरेट हो जाती है, और बहुत सारी एमसीपीसीबी ऐसी होती हैं जो 120 और 100 वोल्ट जब ड्राइवर देता है तभी वो चालू हो पाती है। ये सभी गुणा भाग अभी आपको वीडियो में आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वाट की। अब यहाँ पर मेरे पास चार प्लेट हैं। अब इसमें देखिए एलईडी जो इसमें लगी हुई एसएमडी एलईडी, वो बिल्कुल सेम साइज़ की है। अब इसमें आप लोगों को कैसे पता करना है कि ये कितने वाट की है और कितने वोल्ट की है? जैसा कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि एक एलईडी बल्ब, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जो एलईडी बल्ब होता है बेसिकली वह 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है, लेकिन इसमें जो एलईडी लगी होती है वो 3 वोल्ट से भी ऑपरेट होती है। कोई एलईडी ऐसी होती है जो 6 वोल्ट से भी ऑपरेट होती है, कोई 12 वोल्ट से, और कोई 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है, क्योंकि इसमें वाट का अलग अलग खेल होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे और मैं डिस्कस करूँगा, एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के दौरान मान लिया जाए एलईडी बल्ब आप रिपेयर कर रहे हैं, और आपने जब शुरुआती ट्रिक आपने देखी होंगी, बहुत सारी ट्रिक हैं कि जब एलईडी बल्ब का ड्राइवर या फिर एमसीपीसीबी ख़राब हो जाता है तो उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का हो गया, इसको शॉर्ट करने से चालू हो जाएगा। इसको आप उखाड़ लीजिए, इसको शॉर्ट कर लीजिए, चालू हो जाएगा, लेकिन चालू होने के कुछ देर बाद यह बिल्कुल फ्यूज हो जाता है। कई कई जो हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन 90% केसेज में यह ख़राब फिर से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये फिर से सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो में आज आपको मैं क्लियर कर दूँगा। दोस्तों, वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन आपको बेसिक से हार्ड लेवल तक का नॉलेज मैं ज़रूर देता हूँ हमेशा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं वाट और बोल्ट क्लियर कर देता हूँ, इसको रखता हूँ साइड पे। आपको एक छोटा सा मैंने चीज़ यहाँ पर बनाया हुआ है, अब इस चीज़ को आप समझिए, फिर आपको भी प्रैक्टिकल मैं बताऊँगा। अब यहाँ पर 3-4 अलग अलग टाइप के बल्ब आते हैं, मैं यहाँ पर 3 या 4 टाइप के बल्ब नहीं कहूँगा, अलग अलग टाइप के आते हैं। अब यहाँ पर जो है 1 वाट का जो बल्ब है, इसमें अभी बताऊँगा कि 1 वाट का कौन सा है, 2 वाट का कौन सा है, 3 का कौन सा, और 4 का कौन सा है, और वो उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप आराम से कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 तरीके बताऊंगा। अब जो 1 वाट का बल्ब है वो 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 2 वाट का बल्ब जो है वो 6 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 3 वाट का बल्ब 9 वोल्ट से ऑपरेट होता है, एंड 4 वाट का बल्ब 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। आपको मैंने पहले बता दिया, आप 9 वाट का बल्ब, 7 वाट का बल्ब या फिर 5 वाट का बल्ब जो आप कवर के बाहर पे लिखा हुआ देखते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, यहाँ पर लिखा है 14 वाट का, तो ऐसे करके आप मत बिल्कुल सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर वाट मैं जो बता रहा हूँ वो अलग टाइप का है। मैं इसके वाट की बात कर रहा हूँ, इस एमसीपीसीबी के वाट की बात कर रहा हूँ, आप जो वाट की बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पर आपको ये बता दिया मैंने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने वाट लिखे हुए हैं वो उतने वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। अगर 4 वाट का एक बल्ब की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बल्ब, मैं पूरे एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बल्ब की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये अगर 1 वाट का है तो ये 3 वोल्ट का होगा, मतलब 3 वोल्ट की लाइट से ऑपरेट होगा। अगर ये 2 वाट का है
तो यह 6 वोल्ट की बैटरी से या फिर 6 वोल्ट की लाइट से ऑपरेट होगा। अगर ये 3 वाट का है तो 9 वोल्ट से ऑपरेट, अगर ये 4 वाट का है तो 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब इसका फाइंड कैसे करना है वो आप बता देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया गया, एग्जाम्पल नहीं कहूँगा इसको, एक चित्र के द्वारा मैंने समझाया गया है। जो 1 वाट का बल्ब होता है वो असल में ऐसा अंदर से दिखता है, 2 वाट का ऐसा दिखता है, 3 वाट का ऐसा, 4 वाट का ऐसा। अब आप समझ बिल्कुल नहीं समझे होंगे, मैं भी जानता हूँ कि आप लोग डायग्राम के साथ आप प्रैक्टिकल भी चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करके दिखाऊंगा। ये कोई इसका सैम्पल नहीं है, सिर्फ मैंने अपने आपको एक ईजी लगेगा करके यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ पर 1 वाट का बल्ब का ऐसा क्यों बना रखा, 2 इसके हिस्से क्यों बना रखे, 2 वाट के 2 हिस्से, 3 वाट के 3 हिस्से एंड 4 वाट के 4 हिस्से क्यों बनाए गए हैं, ये आपको मैं क्लियरली यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूँगा, इस 1 वाट से स्टार्ट करूँगा। अब मुझे तो पता है भाई 1 वाट का है, अब आपको भी बता देता हूँ कैसे हमने पता किया 1 वाट का है। देखिए 2 हिस्से, 1 वाट के अंदर 2 हिस्से। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 वाट में 2 हिस्से बना रखे हैं, यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। 1 वाट के अंदर जो 2 हिस्से मैंने बना रखे हैं, एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा है, और 2 वाट के अंदर दोनों हिस्से बराबर हैं, बस ये डिफरेंस 1 और 2 वाट में है, यही डिफरेंस का आपने ध्यान देना है। जो यहाँ पर ड्राइवर है, ड्राइवर है इसमें आप देख रहे होंगे, आपको मैं क्लियर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। चलिए मैं माइक्रो कैमरा को ऑन करके दिखाता हूँ आपको, अब शायद आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको 2 हिस्से दिख रहे होंगे, देखिए इस बल्ब के अंदर कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको, 2 हिस्से आपको दिख रहे होंगे, देखिए गौर कीजिएगा। अब 2 हिस्से में एक हिस्सा छोटा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक तरफ का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है छोटा और ये हिस्सा है बड़ा है, ध्यान दीजिए एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा है, ये होगा 1 वाट का। अब एक तरीका आपको मैंने बता दिया ये 1 वाट का है, यहाँ पर जैसे सिंबल मैंने दिया था, तो प्रैक्टिकल करके कैसे पता करेंगे 1 वाट का है या फिर 2 वाट का है। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार मैं प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार सभी को मैं दिखा देता हूँ कि 1 वाट 2 वाट 3 वाट सभी समझा देता हूँ। 1 वाट का तो आपको बता दिया, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है इसको रखता हूँ साइड पे। अब यहाँ पर 2 वाट की जो बल्ब है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अब यहाँ पर आपको गौर से नहीं दिखा देगा क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से डार्क है, लेकिन फिर भी दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। एक मिनट और भी मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप एक बार यहाँ इस जगह पे ध्यान देंगे तो आपको 2 हिस्से बराबर नज़र आ रहे होंगे। देखिए 1 वाट में आपको एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा नज़र आ रहा था, 2 वाट में आपको 2 हिस्से बराबर नज़र आ रहे होंगे। आप फिर से गौर करके देखेंगे तो अब देखिएगा, एक बार तो ज़रूर दिखाई दिया होगा आपको, एंगल चेंज करके देख रहा हूँ, हाँ अभी शायद दिख रहा होगा आपको। देखिए तो 2 वाट में दोनों हिस्से आपके बराबर इसमें दिख रहे हैं, अंदर जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर 3 वाट में दिखाता हूँ आपको, 3 वाट में आपको अंदर 3 हिस्से दिखा देंगे, लेकिन तीनों हिस्से बराबर होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने चित्र में एक दर्शाया गया है, एक छोटा सा डायग्राम बना के 3 वाट में 3 हिस्से आपको दिखाई देंगे इसके अंदर, गौर से देखने पर ही आपको दिखेगा। अब यहाँ पर चलिए एक बार इसको फिर से माइक्रो कैमरा को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त कर ली मैंने यहाँ पर, लेकिन दिख नहीं पा रहा, कैमरा भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको गौर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं दिख पा रहा है तो तीन आप समझ लीजिए, यहाँ पर 3 हिस्से, जो जैसे हमने 2 हिस्से और एक हिस्सा आपको दिखाया था ना, वैसे 3 वाट के एलईडी में अगर आप डायरेक्ट आंखों से देखें तो आपको दिख जाएगा, कैमरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर आपकी नज़र पड़ जाती है तो अच्छी बात है। आपको बता दूँ यहाँ पर 3 लकीरें होंगी, जैसे वहाँ पर 2 लकीरें थी 2 वाट में, इसमें 3 लकीरें होंगी। आपको दूसरा मेथड भी बताऊँगा, विद प्रैक्टिकल मेथड बताऊँगा। अब इसको मैं रख लेता हूँ साइड पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4 वाट की। देखिए 4 वाट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको इस एलईडी के अंदर एक बल्ब के अंदर 4 लकीरें दिख रही होंगी, 1 2 3 4, गौर कीजिए गौर कीजिए, देखिए 4 लकीरें आपको दिख रही होंगी। मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके। अब कैमरा भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें, आप गौर करके देखेंगे, चाहे तो आप अपने वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। एक मिनट, एक बार यहाँ पर गौर कीजिएगा आप,
चार लकीर आपको दिख रही होंगी, एक दो तीन चार, छोटी छोटी चार लकीरें दिख रही होंगी, ये है 4 वाट की। और ये जो पीसीबी है वो 12 वाट एलईडी बल्ब या 12 या 14 वाट के एलईडी बल्ब का यह किट है, वो अलग चीज़ है। और बल्ब का जो वाट मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से एक बल्ब का वाटेज आप निकाल सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ। ये तो जो मैंने बताया था आपको एक सिंबल के माध्यम से, मतलब एक सिंबल जो इसका आप देख सकते हैं गौर से, अगर आप अपनी आँखों से देख सकें तो वैसे। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आपने कैसे पता करना है कि ये कितने वाट का है, तो आप ऐसे करके पता कर लीजिए। बेसिकली मैं यहाँ पर मल्टीमीटर लेता हूँ, एक मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लेता हूँ। मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज में रखने के बाद यहाँ पर से कुछ वोल्टेज का करंट हमें मिलता है, लगभग 3 वोल्ट के आसपास का करंट हमें मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 वोल्ट के आसपास का जो करंट मिल रहा है उससे एक वाट की एलईडी है वो आसानी से जल जाती है, इससे 1 वाट की एलईडी आसानी से जल जाती है। इसमें अभी आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, इससे जो भी एलईडी जल जाए वो आप समझिए वो 1 वाट की है। अब यहाँ पर आपको चला के दिखा दूंगी, देखिए मुझे पता है 1 वाट की है। अब आपको इससे चेक करना है ये कितने वाट की है, ये देखिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करके दिखाऊँ तो आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जल गई, ये देखिए जल गई, क्योंकि ये 1 वाट की है। आपको पता है यहाँ से जो मल्टीमीटर से करंट निकल रहा है लगभग 3 वोल्ट के आसपास निकल, 2 या 3 वोल्ट के आसपास का निकल रहा है, तो यहाँ पर 1 वाट की एलईडी को आसानी से जला दे रहा है क्योंकि ये 1 वाट की है। अब यहाँ पर इनमें जलाता हूँ, देखिए इनमें मल्टीमीटर लगाता हूँ तो इनमें नहीं जलेगा बिल्कुल, मल्टीमीटर से इनमें ये लाइट नहीं जला पाएगा, क्योंकि ये 2 पीस वाली है तो ये है लगभग 2 वाट की, और ये चलेगी लगभग 6 वोल्ट से, जैसे कि आपने ऊपर देखा ये चलेगी लगभग 6 वोल्ट से। अब ये 6 वोल्ट से चलेगी तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, उससे पहले आपको ये भी दिखा देता हूँ इनको भी चला के। ये तो नहीं जलेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिर्फ 1 वाट को जला सकता है मल्टीमीटर से, जो हमारी प्रोब निकल रही वो सिर्फ 1 वाट के ही बल्ब को जला सकती है, इनको वो नहीं जला पाएगी। अब देखिए ये तो हो गया 1 वाट का टेस्ट, 1 वाट का टेस्ट आप मल्टीमीटर से ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बल्ब का हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इस बल्ब के अंदर क्या है मान लीजिए, अगर आपको सैंबल भी नहीं पता है और कुछ भी नहीं पता है, इसका वाटेज टेस्ट करना है आपने, तो मोबाइल चार्जर से जो करंट हमारा पास होता है वो लगभग 5 वोल्ट का करंट पास होता है, जैसे कि आपको मैंने आपको पता ही है मैंने क्या बताया, ऑलरेडी आपको पता ही रहता है कि 5 वोल्ट का करंट मोबाइल के चार्जर से हमारा निकलता है। अब लगभग 5 वोल्ट का निकल रहा है तो इस एलईडी को, 2 वाट की एलईडी को जलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होगा, देखिए कितना, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट के आसपास इसमें निकलता है, 5 साढ़े 5 के लगभग इस एलईडी को जलाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर से इसको हम मोबाइल के चार्जर से थोड़ा इसको बढ़ा के देंगे। अब इसमें से हमने मल्टीमीटर, इसमें हमने मल्टीमीटर लगाया, ये एलईडी नहीं जली, थोड़ा बढ़ा के हमने देना है, पहले 3 वोल्ट दिया नहीं जला, थोड़ा 6 वोल्ट इसमें देना है बढ़ा के। अब चल रहा है देखेंगे, अभी पता चल जाएगा ये कितने वाट के लगभग की है, तो इसको उल्टा करके देखेंगे क्योंकि प्लस माइनस का भी इसमें डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर एक मिनट इसको ऑन कर लेता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, अब उल्टा करेंगे क्योंकि उसमें ऑफ था ये। अब आपने देखा होगा, एक मिनट थोड़ा सा डार्क करूँ तो और इजीली आपको और अच्छी तरीके से दिखाई देगा, अब आपको दिख रहा होगा, और डार्क करूँगा तो और अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये देखिएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये 2 वाट की एलईडी है, हमने इसको 6 वोल्ट नहीं दिया है, 5 वोल्ट दिया है, तो 5 वोल्ट में थोड़ा कम जलेगा, 6 वोल्ट में बहुत अच्छा है चलेगा। तो ये कितने वाट की है, 2 वाट की, क्योंकि हमने इसको पहले 3 वोल्ट दिया नहीं जला, 6 वोल्ट दिया चल गया, तो इसका मतलब ये 2 वाट की है। अब यहाँ पर देखिए, अब 3 वाट में मैं मोबाइल के चार्जर का करंट देता हूँ, ये 3 वाट की है क्योंकि इसके अंदर 3 लकीरें हैं, इसमें मोबाइल के चार्जर का करंट देता हूँ, तो 3 वाट में हमें लगभग कितने वोल्ट देना होगा पहले आपको दिखा दूँ। 3 वाट की जो एलईडी है इसमें हमें 9 वोल्ट देना होगा, चलिए इसमें मोबाइल के चार्जर से ही चला के देखते हैं, क्योंकि इसमें से 5 वोल्ट निकलता है, ये जल रहा है नहीं जल रहा है अभी पता चल जाएगा हमें, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगा के हम लोग चेक करते हैं, देखिए नहीं चलेगा। भाई क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको कितना चाहिए, 3 वाट को 9 वोल्ट चाहिए, बताया था मैंने 3 वाट को 9 वोल्ट चाहिए, और इसमें से निकल रहा है मोबाइल के चार्जर से 5 वोल्ट, नहीं चलेगा क्योंकि इसको 9 वोल्ट चाहिए होता है, देखिए नहीं चलेगा। अब इसमें हम 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, 9 वोल्ट की जो बेसिकली ये बैटरी हमें 10-20 रुपए में मिल जाती है, इससे हम टेस्ट करें, क्योंकि इसमें से 9 वोल्ट का हमें करंट, हमें 9 वोल्ट का करंट मिलता है, 9 साढ़े 9 नई बैटरी है तो 10 के आसपास भी मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए
ये 9 वोल्ट की बैटरी से हम लोग इसमें लगा के देखेंगे। उससे पहले आपको बैटरी का टेस्ट करवा के दिखा देते हैं कितने वोल्ट की लगभग ये बैटरी है, क्योंकि अभी नई मैंने निकाली हुई है। तो इसका अगर चार्जिंग का देखिए, एक मिनट उल्टा कर लिया, अब इसको सुलटा करके दिखा देता हूँ। सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी आप लोग बिलीव कर पाएंगे, वरना काफ़ी सारे लोग कमेंट करने वाले भी होते हैं। तो ये है 9.5 वोल्ट मान के चलिए। अब 3 वाट में मैंने 9 वोल्ट को लगाना है, 3 वाट में मैंने 9 वोल्ट को लगाना है भाई। 3 वोल्ट से नहीं चला, 6 वोल्ट से भी नहीं चला, अब 9 वोल्ट से यह बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मेरे तरीके अलग अलग बताने के, तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। देखिए प्लस में प्लस, माइनस में माइनस लगा लिया, देखिए बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, क्योंकि प्रॉपरली इसको 9 वोल्ट अभी मिल रही है। देखिए बिल्कुल, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह चल रही है। ये 3 वोल्ट से नहीं चली, 6 वोल्ट से नहीं, 9 वोल्ट से चल गई। अब वहीं पर अब इसको भी रखते हैं साइड पे। 9 वोल्ट का भी हमने पता, सॉरी 3 वाट का जो 9 वोल्ट से चलती इसका भी पता हमने कर लिया। अब बात करते हैं हम 12 वोल्ट की, यानी कि 4 वाट की, क्योंकि 4 वाट आपको बताया था मैंने 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। अब यहाँ पर इसको मैं पहले तो मैं वैसे 3 वोल्ट से नहीं चलेगी ये, और 6 वोल्ट से भी चलेगी, 9 वोल्ट से क्या पता चल जाए, ट्रायल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी लगभग 10 के आसपास की चार्ज है, एम्पियर अच्छा है, हो सकता है इसको चला ले। और यहाँ पर 4 वाट की जो LED है 12 वोल्ट से ऑपरेट होगी, तो हो सकता है इस बैटरी से भी चल जाए। अब यहाँ पर 2 प्लेट है, चलिए एक ही, हाँ इसी को चेक करते हैं, एक ही बात तो एक ही है। अब यहाँ पर इसे चला, हाँ ये चल गया, देखिए चल गया बिल्कुल। अब ये जो आपकी 4 वाट की जो LED है वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, तो इस बैटरी से भी ये चल गई, तो आप इसको 12 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं इसका पूरा गणित बताता हूँ, कि मैंने आपसे शुरुआती में एक बात कही थी आपको, कि जब कोई भी MCPCB में या फिर ड्राइवर में, मतलब DOB में कोई भी एक बल्ब ख़राब हो जाता है, और अब हम उसको शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, तो वह चल पड़ता है और कुछ देर बाद ख़राब हो जाता है। ये क्यों होता है अब आपको मैं बता देता हूँ। एक पेन की मदद से मैं आपको अगर लिख के बताऊँ तो और ज़्यादा आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको सभी में डिफरेंस बता दिया, जो हमारा 1 वाट में होती है उसमें 2 पीस होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। फिर से बता दूँ, 1 वाट में 2 इसमें टुकड़े आपको अंदर देखने को मिलेंगे, 2 इसके भाग या फिर पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक छोटा एक बड़ा। 2 वाट में दोनों बराबर मिलेंगे, 3 वाट में तीनों बराबर, 4 वाट में 4 लकीर मिलेंगी, या फिर आप 4 तार आप देखने को मिल सकता है, 3 वाट में भी 3 लकीर या फिर 3 तार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसमें वाट और वोल्ट सब मैंने बता दिया, कितने वोल्ट से कितने वाट ऑपरेट होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। देखिए वीडियो पूरी देखते हैं तो तभी आपको समझ में आता है, कट वुट करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं जो भी जानकारी बताऊँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आपके लिए आता हूँ। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि बल्ब फ्यूज क्यों होता है, हमने शॉर्ट शूट कर लिया फिर बल्ब क्यों फ्यूज होता है। अब चलिए इसी का एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप उनमें भी ऐसा ही करके समझ लीजिएगा। इसमें कितने LEDs हैं, 1 2 3 4 5 6 LED हैं। अभी 2 वाट की है और 6 LED हैं, ठीक है। अब ये कितने वाट का लगभग बना, एक LED के हिसाब से वाट बता देता हूँ, ये बना आपका 12 वाट का, ये MCPC के हिसाब से 12 वाट बना, इसकी जो शाइनिंग होगी 12 वाट के आसपास की रहेगी। अब आपने बल्ब के बाहर नहीं देखना है, 5 वाट लिखा है तो ये 12 वाट का क्यों हो गया, काफ़ी सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल मत जाइए। ये 12 वाट का ये जो LED इसमें SMD लगी है उस हिसाब से 12 वाट का होगा। अब यहाँ पर मैं इसमें वोल्टेज की बात करूँगा, तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने जो 2 वाट है ये देखिए 2 वाट जो है 6 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, 6 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, तो 6 वोल्ट से जो ऑपरेट हो रहा है, अब यहाँ पर कितने LED थे, 6 × 6 = 36 वोल्ट। अब इस PCB को कितना ड्राइवर से करंट मिलना चाहिए कि ऑपरेट हो जाएगा, लगभग 36, तो लगभग 40 45 50 तक भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर का भी हिसाब होता है। आपको ये बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर से उतना ही करंट निकलेगा, एम्पियर का भी हिसाब रहता है, तो लगभग इसको बेसिकली यहाँ पर ऑन करने के लिए 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर से जो हमारा करंट निकलेगा इसके लिए 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब देखिए 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 6 वोल्ट का एक
6 वोल्ट से एक आपका एलईडी ऑपरेट होता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा गौर से समझिए, दोबारा बैक करके आप देख सकते हैं। तो एक एलईडी ख़राब हो गया, मान लिया जाए एक एलईडी ख़राब हो गया आपका, तो यहाँ पर कितने बचे? 6 वोल्ट का एक एलईडी है गुणा एक ख़राब हो गया और आपने शॉर्ट कर लिया, कितने बचे? 5, 30 कितने बचे, मतलब कितना, कितने लगभग कि कितने वोल्ट का बन गया? 30 वोल्ट का। और ड्राइवर से कितना करंट आपका निकल रहा है? मान लीजिए वहाँ पर 36 लिखा था, बेसिकली 36 से ज़्यादा भी निकलता है कभी कभी, 40 भी आप मान के चलिए, 40 वोल्ट निकल रहा है। तो ड्राइवर से 40 वोल्ट आपका निकल रहा है और आपका जो एलईडी आपने शॉर्ट करके बना दी वो 30 वोल्ट की है, तो 40 वोल्ट का अंदर से फोर्स निकल रहा हो, 30 वोल्ट की इसको चलाएगा तो क्या होगा? फूंक देगा, क्योंकि अंदर से जो वोल्टेज आपका निकल रहा है उसके सामने आपकी एलईडी की पावर थोड़ा सा कम हो गई, एलईडी की वोल्टेज थोड़ा कम हो गई है। आपकी एलईडी को थोड़ा तेज तो चलाएगा लेकिन कुछ देर बाद वह ख़राब कर देगा। आप इसमें जब भी चेंज करके लगाएं, बहुत सारे लोग चेंज वाली भी एक वीडियो बनाते हैं, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है चेंज करने वाली, लेकिन इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ये ख़राब हो जाती है तो इसकी जगह पर चेंज करके आप दूसरा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी उठा के लगा ली, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखना है कि इसके जो बगल में जितने भी सिमिलर लगे हुए हैं कितने ये वाट के हैं या फिर कितने वोल्ट के हैं। वाट को आपको बता दिया, मान लीजिए दो पीस में हैं बराबर वाले, तो ये 2 वाट का है, तो आपने कोई भी 2 वाट की एलईडी लेके इसमें फिक्स कर देनी है, कोई बात नहीं। आप 3 वाट की भी लगा के देख सकते हैं, अगर चल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन कम की मतलब एक वाट की मत लगाइएगा, 1 वाट की लगाएंगे तो हो सकता है कुछ देर बाद गर्म हो के ख़राब हो जाए। तो आपने बस इतनी चीज़ का ध्यान देना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम एलईडी जो शॉर्ट करते हैं वो कुछ देर बाद ख़राब क्यों हो जाती है और कौन सी वाली एलईडी इसमें फ़िक्स करनी चाहिए और वाट क्या रहता है, बोल्ट क्या रहता है, ये सब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, मेरे समझाने का तरीका बहुत ही ईजी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिला होगा। और दोस्तों इस वीडियो के बदले मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरा लाइक एम पूरा कर लीजिए और शेयर इतना कीजिए कि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके, क्योंकि ये काम हर कोई करता रहता है, कोई प्रैक्टिकल भी करते हैं घर पे, तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, तो उनको पहुँचाइए, उन तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए कुछ मिल सके। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही और भी अच्छी जानकारी मैं आगे लेके आने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।